कभी आ जाती है कॉन्वर्सेशंस में और माहौल में और सिचुएशंस में और कनेक्ट नहीं कर पाती है, वो रूम को रीड नहीं कर पाती है, किसी के इमोशन को रीड नहीं कर पाती है और कुछ भी बोल के चली जाती है और वही डायलॉग्स हैं, वही किसी बेटे बातें हैं और वो हर बार एक रिएक्शन डिमांड करती है जो बहुत बार उसे मिलते भी नहीं है मगर फिर भी उसका एक मोनोलॉग चलता है। तो आई थिंक मैं मनीषा को दूंगी। मनीषा हीरोइन से विलन होगी करके। हाँ ये भी है, देखा कितना चेंज लाया मैं। पासिंग शॉट नो डायलॉग, जैसे आपने समझाया कि कोई जो आ जाता है पासिंग में और कुछ बोल देता है या बोल देती है जिसका वेरी ऑफन सेंस नहीं बनता है, कनेक्ट नहीं हो पाती है, तो इसलिए मनीषा को। क्या कितनी इंसल्ट हो रही है भाई, गलत हो रहा है। अब बारी है हीरोइन की कास्टिंग की। अच्छा तो मुझे जाना है, मैं नहीं बताना। इस घर की सबसे सुंदर सबसे पॉपुलर लड़की होगी। पॉपुलर अविनाश को बोल दो जा भाई। जी एक बात बता, मेरा पासिंग शॉट नहीं बनता था 41 डेज में। तूने मेरे को देखा है घर में कभी? अच्छा तेरा बेटा है। सिमजिया जी हाँ, चॉइसेस फ्यू हैं। मैं तो बेबिका को भी ऑडिशन करना चाहूंगी मगर वो पॉपुलर है एक सर्टन सेट के साथ में, अनपॉपुलर है एक सर्टन सेट के साथ में। और आई थिंक के आशिका अनफॉर्चुनेटली लोग उसे जान नहीं पाए तो वो पॉपुलर तो है नहीं। तो आई थिंक हमारी चॉइस जो है सिर्फ जिया।